हेलो स्टूडेंट्स, हम वो वीडियो में देखेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश। उसमें हम देखेंगे यूनिट 5 मैरी गो राउंड। यूनिट 5 मैरी गो राउंड, उसके हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। देन स्टार्ट रीडिंग इज अ फन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो। क्या है उसका नाम? हाउ डिड द मैरी गो राउंड एंड गो। चक्करदार झूला किस प्रकार से चलता था? तो उसका आंसर है, फर्स्ट का आंसर है, हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो। चक्करदार झूला किस प्रकार से चलता था? तो इट मूव राउंड एंड राउंड। इट मूव राउंड एंड राउंड, तो कैसे चलता था? राउंड एंड राउंड मीन्स गोल गोल। देन सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो। क्या है, बड़ा बुरा घोड़ा कैसे चलता था? तो उसका आंसर है, हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो। बड़ा बुरा घोड़ा कैसे चलता था? तो उसका आंसर, द बिग ब्राउन हॉर्स वेंट अप एंड डाउन। कैसे चलता था? अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ। देन थर्ड, लेट्स टॉक। हैव यू सीन अ मैरी गो राउंड। क्या तुमने चक्करदार झूला देखा है? तो उसका आंसर, क्या तुमने चक्करदार घोड़ा देखा है? हैव यू सीन अ मैरी गो राउंड, तो देखा है हमने? तो यस आई हैव अ सीन अ मैरी गो राउंड, तो हाँ मैंने देखा है। देन फाइव, फोर नंबर, वेयर हैव यू सीन इट। तुमने इसे कहाँ देखा है? तुमने वो सीन मैरी गो राउंड कहाँ देखा है? तो उसका आंसर है, वेयर हैव यू सीन इट। तो उसका आंसर, आई हैव सीन इट इन अ पार्क एंड इन अ फेयर। तो हमने उसका सीन पार्क में एंड फेयर मीन्स मेले में देखा है। देन फिफ्थ, वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर। क्या तुम किसी मेले में जाना पसंद करोगे? आंसर, वुड यू लाइक टू गो टू फेयर। तो क्या तुम किसी मेले में जाना पसंद करोगे? तो आंसर, यस आई लाइक टू गो टू अ फेयर। तो यस हम जाना पसंद करेंगे। देन नाउ लुक एट दिस, लेट्स शेयर। उसमें फर्स्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्क्राइब द फेयर। आपको वो वहां पे फेयर का पिक्चर दिया, मेले का, फेयर मीन्स मेला, मेले का पिक्चर दिया है और वो पिक्चर देख के आपको उसका वर्णन करना है। तो हम उसका सेंटेंस हम लिखेंगे नोटबुक में। तो वहां पे वो बलून्स वाला है, टॉयज की शॉप है, मैरी गो राउंड है, मैरी गो राउंड है, वहां पर ट्रेन है, पेरेंट्स है, चिल्ड्रंस है। तो हम उसके सेंटेंस लिखते हैं पिक्चर देख के। जो आपको उस आपकी टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर दिया है वो पिक्चर देख के उसमें उसका हम वर्णन करेंगे, उसके बारे में हम सेंटेंस लिखेंगे। तो हम लिखते हैं आंसर, लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्क्राइब द फेयर। वो जो हमको पिक्चर दिया है उसके का वर्णन हम करेंगे और लिखेंगे, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फेयर। किसका पिक्चर है वो? फेयर, मेले का पिक्चर। देन एवरीबॉडी इज
Everybody is enjoying their time. Their time in the field. तो वहां पे हम पिक्चर में देखते हैं, वहां पिक्चर किसका है, तो फेर का पिक्चर है। सब लोग क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना। देन नाउ सम चिल्ड्रन आर, सम चिल्ड्रन आर enjoying merry-go-round, enjoying merry-go-round and some are enjoying a toy train. क्या कर रहे है सब लोग वहां पे, टॉय ट्रेन है उसका एंजॉय कर रहे है वो चिल्ड्रन, कर रहे ना वो रहा पिक्चर में टॉय ट्रेन। वहां पे सब चिल्ड्रन टॉय वो ट्रेन है टॉयज की वो एंजॉय कर रहे, और वहां पे क्या परचेस का बाइंग कर रहे हैं वो दो चिल्ड्रन बलून्स। तो उसका सेंटेंस हम लिखते हैं, सम चिल्ड्रन आर buying balloons, some children क्या करे क्या purchase कर रहे है buying कर रहे है तो balloons, then दूसरा children क्या कर रहे है toys purchase कर रहे है और toys के shops में से भी buying कर रहे है, तो उसका sentence हम लिखते हैं, some children are buying the toys from the toy shop, toys from the toy shop, then picture में सब parents लोग है वो क्या कर रहे है, parents और children लोग क्या कर रहे है मेले fair का enjoy कर रहे है, तो हम उसके sentence उसके बारे में sentence लिखेंगे, the parents also look happy as their children are enjoying. क्या कर रहे सब चिल्ड्रन और पेरेंट्स फेयर का
एंजॉय कर रहे हैं। तो हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, दिस इज अ पिक्चर ऑफ फेयर, एवरीबॉडी इज एंजॉइंग देयर टाइम इन द फेयर, सम चिल्ड्रन आर एंजॉइंग मेरी गो राउंड एंड सम आर एंजॉइंग अ टॉय ट्रेन्स, सम चिल्ड्रन आर बाइंग बलून्स, सम चिल्ड्रन आर बाइंग द टॉयज फ्रॉम द टॉय शॉप। The parents also look happy as their children are enjoying. उसके बारे में, फेयर के बारे में पता चल गया। Then now, go round and merry go round, find the letters and say them aloud. वहां पे merry go round में आपको letters दिए है, वो आपको बोलना है। तो हम start करेंगे। वहां पे आपको दिया है ना, गुजराती में हम उसको क्या कहते हैं, चकडो। तो वो आपको दिया है ना, द फर्स्ट ए बी सी, वो भी कौन से शेप में दिए हैं, राउंड शेप में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। किस तरीके दिया है, हाफ ऊपर की तरफ और हाफ नीचे की तरफ, और सब राउंड शेप में हमको अभी लेटर्स दिए है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो आपको इस लेसन के बारे में पता चल गया, उसके क्वेश्चन आंसर और फेयर के बारे में। तो आप वो सब आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिख देना।